Hello students, welcome back to your English class. We are meeting after a long time, but I'm sorry for that. Now I make sure that we'll be meeting oftenly, right? So today we are going to start with the new lesson, Flamingo, lesson number 2, that is Lost String. Okay, so this has been written by Anise Young. Okay, so lost string basically means lost is something jo kho gaya hai. ठीक है, और स्प्रिंग ह्यूमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं बचपन को, चाइल्डहुड को. सो ऐसा ये कुछ स्टोरी है जिसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका बचपन खो गया है. ठीक है, कुछ ऐसा उनके साथ हुआ बचपन में, कुछ ऐसी उनकी स्टोरीज हैं जिससे वो अपना चाइल्डहुड इंजॉय नहीं कर पाए. फ्रेंड्स, चाइल्डहुड एक ऐसा दौर होता है ह्यूमन लाइफ का, आई थिंक विच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वन. यू गेट टू नो न्यू थिंग्स, you get to learn so many things, you get to hunt for the talent you have, like so all the good things come to you in childhood only. You don't have any responsibility, you are being forgiven by everyone. So this is the most beautiful phase of human's life. ठीक है, और ये beautiful phase ही अगर कोई आपकी life में से निकाल दे तो it pains, right? So ऐसा ही कुछ story है, ऐसे दो बच्चों की कहानी है जो दो parts में divided है. And ये बच्चे कुछ ऐसा बचपन में हो जाता है जिससे कि इनका बचपन खो जाता है, right? So theme of the story is like common. Stories अलग अलग हैं लेकिन theme इनका common है. Number one is poverty. दे आर पावर्टी स्ट्रिकन, मतलब कि इतनी गरीबी है कि बचपन में अगर टोटल गरीबी देखी है तो डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं पता कर पाते, कुछ भी नहीं सीख पाते, राइट. एंड सेकेंड इज चाइल्ड लेबर. एक तो गरीबी, ऊपर से बचपन में ही काम करना पड़ा, चाइल्ड लेबर करना पड़ा. चाइल्ड लेबर होता है जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं, मजदूरी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपनी फैमिली को स्टैंड करने के लिए, अपना ब्रेड बटर कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बच्चों को. और पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ये लोग ये समझते हैं कि दिस इज द डेस्टिनी विच गॉड हैज चोजन फॉर अस. सो नाउ द स्टोरी हैज टू पार्ट्स. नंबर वन इज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, and the second one is I want to drive a car. So definitely I will start with the first one. Now sometimes I find a rupee in the garbage. Now there is a boy named Saheb jiski family Dhaka mein rehti thi. Dhaka is in Bangladesh. So jiski family Dhaka mein rehti thi aur Dhaka mein ek bari bahut tabahi ho gayi thi, storm aa gaya tha buri tarah se, to in logo ki jitni green fields thi, jo bhi khet khaliyan the, sab doob gaye the, sab bekar ho gaya tha. So they had to shift to, they shifted to Simapuri. Simapuri, which is on the periphery of Delhi. मतलब दिल्ली के outskirts में ये area है जिसका नाम है Simapuri, which is completely slum. ये completely slum है. Okay. So now this boy Saheb used to do rag picking. Now friends, what is rag picking? आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो आप ये सब्जी मंडी वगैरह या लोहा मंडी ऐसी कहीं जगह पे आप चले जाएं तो छोटे छोटे बच्चे अपने कंधे पे एक बोरा सा लेके घूम रहे होते हैं, जस्ट जूट का बैग. ठीक है, बोरा सा लेके घूम रहे होते हैं एंड समटाइम्स दे हैव अ मैग्नेट इन देयर हैंड जो वो गार्बेज में घुमाते हैं कि कुछ भी लोहे का आइटम है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट कर लेगा और उनको कुछ ऐसा सामान मिल जाएगा जिसको वो वापस रीसेल करके आ सकते हैं. या कई बार बच्चे अगर उनके पास मैग्नेट नहीं है तो वैसे भी जहाँ गार्बेज का ढेर है एक डंडा लिया रहता है हाथ में और उस स्टिक से उसको हंट करने की कोशिश करते हैं. तो सेम इज विद साहिब, साहिब भी यही करता है. उस सीमापुरी में जितने बच्चे हैं वो सब सुबह जाते हैं, अपने कंधे पे वो बोरा लेते हैं और जाके उस गार्बेज में से अपने काम का सामान ढूंढने की कोशिश करते हैं. बहुत उम्मीद के साथ जाते हैं कि आज हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारे काम का होगा, उसको हम बेचेंगे और हम खाना खाएंगे, हमारे घर वाले ब्रेड बटर खाएंगे, राइट. नाउ योर फ्रेंड्स, ब्रेड बटर का मतलब प्रॉपर ब्रेड स्लाइस और बटर नहीं है, खाने को ब्रेड बटर बोलते हैं, मतलब कि रोटी सब्जी, दाल रोटी, नॉर्मल जो ईटिंग है, जो बेसिक ईटिंग है उसको ब्रेड बटर बोलते हैं. ठीक है,
तो अब ये जो गार्बेज था ये बच्चों के लिए था वंडर्स, मतलब कि कुछ नया मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, कुछ मजेदार मिलेगा, कुछ ढूंढते हैं, कुछ ऐसा एनकरेजमेंट ये रखते थे अपने माइंड में. लेकिन एडल्ट्स के लिए ये गार्बेज क्या था? इट वॉज द मीन्स ऑफ लिविंग. उनके लिए ये गार्बेज था जीने का जरिया, खाने का जरिया, कि कुछ इसमें से बिकेगा और तब हमें पैसे मिलेंगे और तब हम कुछ खा पाएंगे. ओके, सो जितने भी बच्चे थे वहां पे सब लोग बेयर फुट. फ्रेंड्स, मैं ये वर्ड इसलिए लिखती हूँ साथ साथ आपके लिए सो दैट समटाइम्स मैं जो बोल रही हूँ वो आपको नहीं समझ में आ रहा या नहीं रिलेट हो पा रहा, तो इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है सो दैट आप भूल ना जाए सामने लिखा हुआ है. तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे बेयर फुट ही चले जाते थे, मीन्स विदाउट चप्पल्स. तो अब प्रॉब्लम ये थी कि क्या वो चप्पल पहनना नहीं चाहते थे या उनके पास थे ही नहीं. सो ट्रूली स्पीकिंग उनके पास थे ही नहीं, वो पहनना चाहते थे डेफिनेटली, उनके पास हैं तो वो जरूर पहनना चाहेंगे, लेकिन उनके पास थे ही नहीं इसलिए वो बेयर फुट ही चले जाते थे. और अगर उनसे कोई पूछ लेता था कि तुम नंगे पैर क्यों घूम रहे हो तो उन बच्चों का एक ही जवाब होता था, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, ये कल्चर है कि बच्चे चप्पल नहीं पहनते, वो बेयरफुट ही घूमते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहता, सबकी सेल्फ एस्टीम है, राइट. तो इसीलिए ये बच्चे बोलते थे कि हमारे यहाँ का ये कल्चर है. इनमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसके पास शूज थे जो उसको गार्बेज में मिले थे पड़े हुए, जो कि डोंट ऑफ थे, फटा हुआ था. एक कोई और था, एक कोई और था, मतलब कि एक का डिजाइन अलग है और एक का डिजाइन अलग है, दोनों अलग अलग प्रकार के शूज थे, लेकिन ही वॉज हैप्पी वेयरिंग देम ऑल्सो, क्योंकि उसको लगता था तुम पे तो है ही नहीं, मुझ पे कम से कम अलग जूते तो हैं. तो बच्चे हैं, बहुत सारी इमेजिनेशंस लेकर के आते हैं वर्ल्ड में. तो ऐसा ही कुछ बच्चों का दौर रहता था कि वो अपना चल देते थे राइट पिकिंग करने के लिए. सो नाउ दिस राइटर वन डे ये साहिब से मिल जाती है. ये अक्सर सीमापुरी जाती थी बच्चों की लाइफ पे, क्योंकि ये स्टोरीज लिखा करती थी, तो बच्चों की लाइफ पे रिसर्च करने के लिए ये अक्सर सीमापुरी जाया करती थी. तो इसने साहिब से एक बारी पूछा कि आप ये राइट पिकिंग क्यों करते हो. देन साहिब से मैम मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स. सो दिस इज द थिंग विच वी ऑल ऑफ अस फाइंड कि हम ये कर सकते हैं, इसलिए हम ये कर लेते हैं. सो द राइटर सैड दैट व्हाई डोंट यू गो टू अ स्कूल. सो दिस साहिब सैड मैम आई डोंट हैव एनी स्कूल इन माई नेबरहुड, मतलब मेरे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं. तो राइटर सैड दैट अगर मैं बनाऊंगी तो आप जाओगे. तो उसने बोला अगर आप बनाओगे तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, गिवन अ चांस, मुझे चांस तो मिले जाने का, मेरे पास तो चांस ही नहीं है स्कूल जाने का, तो इसीलिए मैं नहीं जाता, मगर आप बनाओगे तो मैं जरूर जाऊंगा. और ये सब बात करके थोड़ी सी उदास हो गई अनीस जॉन कि मैं ये क्यों बात कर रही हूँ इससे, मुझे पता है ये बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, सो व्हाई एम आई डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स टू हिम. ओके, सो नाउ अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है स्टोरी की कि साहिब का जो पूरा नाम है ना वो है साहिबे आलम, ऐसे लगता है किसी राजा महाराजा का नाम है. तो इसका पूरा नाम है साहिबे आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. साहिबे आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. अब आप देखिए उसका नाम और उसका काम कितना कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपस में. नाम तो है लॉर्ड, मतलब भगवान, यूनिवर्स का भगवान, ये उसके नाम का मतलब है, और काम क्या करता है, रैग पिकिंग. सो दिस इज वॉट गॉड हैज गिवन अस, हमारी डेस्टिनीज उसने इसी प्रकार से बनाई है. तो बट साहिब वॉज हैप्पी डूइंग दिस, वो खुश था जो कर रहा है, वो खुश है उससे. सो नाउ वन फाइन डे ये अनीस को लगता है कि ये कहाँ पे खड़ा हुआ है साहिब, ये क्या कर रहा है. सो शी गोज क्लोजर एंड शी फाइंड्स कि वो एक टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है. तो वो साहिब से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो. आई लव टेनिस, मुझे मैम टेनिस देखना बहुत पसंद है, मुझे खेलना भी बहुत पसंद है, बट हाँ मुझे चांस नहीं मिलता, बट ये जो गार्ड है यहाँ का ये समटाइम्स मुझे अंदर आने देता है, मुझे चीज़ों को देखने देता है, लेकिन आई लव दिस गेम. और वो सडनली नोटिस करती है कि साहिब ने शूज पहने हुए हैं. सुशी ब्लॉसम्स,
शी ब्लशेज, वाओ तुम्हारे पास शूज हैं, तुम्हें शूज मिल गए. हाँ मैम, वो एक किसी रिच बॉय ने गार्बेज में थ्रो कर दिए थे बिकॉज उसमें एक बहुत छोटा सा होल है, तो उसके लिए ये बेकार होंगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कुछ है क्योंकि ये टेनिस शूज हैं एंड आई लव टेनिस, तो मुझे ये शूज मिल गए एंड आई एम सुपर हैप्पी विद दिस. ओके, सो आफ्टर सम फ्यू डेज गोज ऑफ, आफ्टर सम टाइम अभी ये अनीस फिर से जाती है फिगर आउट करने कि अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं. सो नाउ शी फाइंड्स के साहिब ने अपने कंधे पे एक स्टील का कैनिस्टर उठा के रखा है. बच्चों, स्टील का कैनिस्टर होता है जैसे आप सब लोगों के घर में दूध का डब्बा रहता है, सो दैट इज नोन एज स्टील का कैनिस्टर. तो साहिब ने अपने कंधे पे एक स्टील का कैनिस्टर उठा के रखा हुआ है और बड़े मजे से ही इज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. तो अब फटाफट रुकती है अनीस, रुको रुको साहिब, वेयर आर यू गोइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या उठा लिया तुमने. सो ही टेल्स दैट आई एम वर्किंग ऑन अ टी स्टॉल, मैं एक चाय की दुकान पे काम कर रहा हूँ जहां पे मुझे 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स मिलता है, जहां पे मुझे 800 रुपीज दिए जाते हैं काम करने के एंड आई गेट ऑल माई मील्स. तो अनीस पूछती है, आर यू हैप्पी वर्किंग देयर. सो साहिब ब्लैंक है क्योंकि वो बहुत खुश तो नहीं है, वो सिर्फ इसी चीज से खुश है कि नाउ ही इज गेटिंग मनी, उसकी फैमिली खा पा रही है, बट कहीं ना कहीं उसको माइंड में ये है कि मैं स्कूल नहीं जा पाया और नाउ आई एम नो लॉन्गर माई ओन मास्टर, नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. जब तक वो रैक पिकिंग करता था तब तक वो अपनी मर्जी से जाता था, अपनी मर्जी से उठता था और वो बहुत भारी भी नहीं था वो जो बैग अपने कंधे पे टांगता था, लेकिन स्टील का कैनिस्टर काफी भारी है और जब खाली है तब तो है, जब उसमें भर जाता है, जब उसमें वो दूध लेकर के आता है तो वो और भारी हो जाता है. सो ही सेज दैट आई डोंट नो आई एम हैप्पी और नो, बट येस आई एम गेटिंग ऑल माई मील्स एंड 800 रुपीज. नाउ अनीस थिंक्स कि नाउ दिस इज द टाइम, ये बच्चे का चाइल्डहुड था, ये नई चीजें सीखता, इसको बहुत चीजें पता चलती, ये स्कूल जाता, मगर दिस इज वॉट डेस्टिनी हैज गिवन अस कि इसको इतनी छोटी उम्र में चाइल्ड लेबर करनी पड़ रही है बिकॉज ही इज पॉवर्टी स्ट्रिकन, क्योंकि ये पॉवर्टी से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ये काम करना पड़ता है. सो नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. नाउ दिस इज ऑल अबाउट समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज. एक बात मैं आपको और बताती हूँ, ये जो बच्चे थे जो रैक पिकिंग करने जाते थे, ये लोग ये मानते थे कि गार्बेज इज गोल्ड टू देम. इनको लगता था ये हमारे लिए सोना है. कैसे सोना है कि कभी तो इनको सिल्वर कलर का कॉइन मिल जाता था गार्बेज में. अब बच्चों, ये सिल्वर कॉइन क्या है? ये चांदी का सिक्का नहीं है, ये आपका रेगुलर जो 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 5 रुपए का सिक्का रहता है, ये वाले सिक्के हैं, मगर वो सिल्वर कलर के रहते हैं, इसीलिए ये लोग समझते थे कि हमें सिल्वर कलर का कॉइन मिल गया है. और एक बार तो साहिब को 10 रुपीज का नोट मिल गया था, तो वो उसी उम्मीद में कि मुझे दोबारा भी कुछ ऐसा मिल सकता है जो मेरे काम का हो, ये उनके लिए वंडर्स बन जाता था. सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट पार्ट वन. दिस इज पार्ट टू ऑफ द चैप्टर आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. सो नाउ इस चैप्टर में भी ऐसा ही है कि ऐसा एक बच्चा है जिसने चाइल्डहुड के टाइम में ही, स्प्रिंग के टाइम में ही ऐसा चाइल्ड लेबर करना स्टार्ट कर दिया जस्ट कि उसकी लिविंग अच्छी हो पाए, उसकी फैमिली ढंग से सर्वाइव कर पाए एंड ऑल दैट. सो द स्टोरी इज, द थीम इज ऑलमोस्ट द सेम. नाउ द स्टोरी बिलोंग्स टू द सिटी ऑफ बैंगल्स, दैट इज फिरोजाबाद. तो ये जो हमारी राइटर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बच्चों के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करती थी, जो स्लम वाले बच्चे हैं उनके ऊपर स्पेशली, सो शी हैड विजिटेड फिरोजाबाद. तो इनको मुकेश मिला था. तो मुकेश इज अ बॉय जिसकी फैमिली सालों से फिरोजाबाद में रहती है और फिरोजाबाद के जितने भी लोग हैं दे ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन बैंगल मेकिंग. जितने भी वर्कर्स हैं वो सब, जितने भी लेबर क्लास लोग हैं, सब लोग दे ऑल ग्रोन अप
doing work in bangle factories, right? So same is there with Mukesh. अब ये मुकेश इनको मिलता है और मुकेश इनको अपने साथ अपने घर लेकर के जाता है. ओके, सो नाउ अब जब ये मुकेश के घर जा रहे होते हैं तो शी ऑब्जर्व्स के बहुत ही छोटी नैरो स्ट्रीट्स हैं, बहुत गंदगी पड़ी है राइट लेफ्ट में, स्मेल आ रही है, जितना भी सीवरेज है वो सब ब्लॉक्ड है, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में ये लोग रहते हैं. एंड व्हेन दे एंटर द हाउस इट इज ऑल फिल्ड विद स्मोक, इतना धुआं धुआं हो रहा है क्योंकि वो चूल्हा जला रही हैं, घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया जा रहा है और जो चूल्हा जला रही हैं वो मुकेश की भाभी हैं, ब्रदर की वाइफ, राइट, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. सो वो चूल्हा जला रही हैं खाना बनाने के लिए और मुकेश के फादर ऑल्सो इज बिकम टू ओल्ड और बैंगल फैक्ट्री में काम करते करते उनका आईसाइट भी चला गया है, क्योंकि बैंगल फैक्ट्री में क्या होता है बच्चों, इसमें बड़ी बड़ी फर्नेस में ग्लास को मेल्ट किया जाता है, जो इतना डार्क एनवायरमेंट होता है, इतना अंधेरा होता है कि आईज उससे यूज टू हो जाती हैं, आईज को फिर रोशनी समझ में ही नहीं आती, आईज रिएक्ट ही नहीं कर पाती रोशनी वाली जगहों में. तो धीरे 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 जो लोग इतने लंबे समय तक बैंगल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ग्लास फर्नेस पे ग्लास को मेल्ट करते हैं, वो स्लोली एंड स्टेडिली उनका विजन कम होता जाता है और खत्म हो जाता है. सो ऐसे ही मुकेश के फादर के साथ हुआ है कि अब उनका विजन खत्म हो चुका है, राइट. मुकेश की दादी इज ऑल्सो सिटिंग इन द हाउस एंड शी फील्स कि ये जो हम सब लोग ये बैंगल मेकिंग में पुश्तों से चले आ रहे हैं, हम इसी में फंसे हैं, ये सब गॉड ने हमारे लिए डिसाइड किया है, दिस इज ऑल द डेस्टिनी सो विच गॉड हैज डिसाइडेड फॉर ऑल ऑफ अस, तो हम लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते. मुकेश के फादर ये फील करते हैं कि मैंने काम कर करके एक घर तो बना दिया है अपने बच्चों के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी पढ़ा नहीं पाया, कभी स्कूल नहीं भेज पाया और घर बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हो रहा है, दरवाज़ों में से आवाज़ आ रही है, दरवाजे टूटे पड़े हैं, वॉल्स बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, मगर घर को रिपेयर नहीं करा पाता, नहीं करा पाया अभी तक भी. सो एवरीवन इज लाइक स्टक इन द वर्किंग ऑफ बैंगल मेकिंग में, कर करके काम कर करके मुश्किल से अपना ब्रेड बटर अर्न कर पाते हैं, मुश्किल से अपनी रोटी खा पाते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि रोटी भी नहीं खा पाते हैं और पूरा राशन भी नहीं हो पाता है, पूरा मील भी कंप्लीट नहीं हो पाता है और ऐसे ही सोना पड़ता है बिना खाए. सो दिस इज ऑल अबाउट मुकेश का फैमिली, बट मुकेश इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम. उसके आईज में ड्रीम्स हैं, उसके दिमाग में ड्रीम्स हैं, वो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में नहीं फंसना चाहता, ही वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स. उसका ड्रीम क्या है, विच इज द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. अब उसका ड्रीम ये है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं. देखिए उसने अपने लेवल के हिसाब से ये ड्रीम नहीं रखा कि आई वॉन्ट टू ओन अ कार, बिकॉज ही नो ही कैन नॉट ओन दैट. सो इसीलिए उसने ये ड्रीम रखा है दैट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. उसका हमेशा से ये सपना है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं. सो अब गाड़ी चलाने के लिए वो सोचता है कि मैं मैकेनिक का काम अगर सीख लूंगा तो मैकेनिक का काम सीखते सीखते मुझे कभी चेक करने के लिए गाड़ी स्टार्ट भी करनी पड़ेगी, गाड़ी चलानी भी पड़ेगी. सो इसीलिए वो उसका ड्रीम है कि उसको गाड़ी चलानी है, इसीलिए वो अपने घर से बहुत किलोमीटर दूर चल के जाता है मोटर मैकेनिक का काम सीखने के लिए. एंड ही फुलफिल्स हिज ड्रीम. अब साहिब में और मुकेश में यही फर्क है कि साहिब अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने के लिए, अपनी मील्स कमाने के लिए चाइल्डहुड में ही चाइल्ड लेबर करके फंस जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता. लेकिन ऑन द अदर हैंड मुकेश बचपन से ही वो ये समझ के चलता है कि मैं ये बैंगल मेकिंग के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं अपना ड्रीम फुलफिल करूंगा, और वो अपने लिए खुद रास्ता बनाता है और उस रास्ते पे चलता है और सक्सेसफुल हो जाता है. बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं वो इतने डिंजी सेल्स रहते हैं, इतना हाई टेम्परेचर रहता है, इतना डार्क एनवायरमेंट रहता है कि स्लोली एंड स्टेडली उनका आई विजन जाएगा ही जाएगा, तो वो इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहता. दैट इज वाई ही फील्स दैट आई विल फुलफिल माई ड्रीम एंड सी ही इज एबल टू फुलफिल द ड्रीम. तो जो हमारी राइटर हैं उन्होंने ये दोनों स्टोरीज इस हिसाब से डाली हैं कि एक बच्चा तो अपनी ड्रीम कुछ फुलफिल कर ही नहीं पा रहा है, उसका मन था कि मैं स्कूल में जाऊं,
आई एम टॉकिंग अबाउट साहिब. साहिब का मन था कि मैं स्कूल जाऊं, तो उसको वो मौका ही नहीं मिला. और मुकेश का ड्रीम था दैट आई वांट टू ड्राइव अ कार एंड ही वाज एबल टू डू दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग. कि कई बार बचपन में कई बच्चों के साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं या फैमिली की ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो अपना चाइल्डहुड कंप्लीटली खो देते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग. आपको समझ आ गया तो जरूर लाइक करेगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो यू आर टू लेट. सब्सक्राइब करिए चैनल को. यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हियर, राइट हियर इन अवर चैनल. एंड अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू.